नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप अपनी वेबसाइट पर ये रुपीस का सिंबल किस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। गाइस, ये रुपीस का सिंबल हमारी वेबसाइट को एक अलग ही चार्म देता है और जो हमारा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर लैंड करता है उसको बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर और एक प्रोफेशनल लगता है, क्योंकि हम सब अब अपने इस रुपीज़ के सिंबल से फैमिलियर है कि इंडिया में हम जो भी परचेज़ करते हैं या कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे एक रुपीज़ का सिंबल अब हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर हमारी वेबसाइट पे भी ये लगा होता है तो जो हमारा ट्रैफिक होता है वो इसको एक काफ़ी पॉजिटिव वे में लेता है और उसको एक आभास होता है कि ये जो वेबसाइट है ये किसी प्रोफेशनल लोगों या प्रोफेशनल आपके अच्छे बिजनेस द्वारा रन करी जा रही है। तो जैसे हमारा डॉलर का साइन होता है, जैसे हमारा पाउंड का साइन होता है, वैसे हमारा रुपीस का साइन है। तो मैं सजेस्ट करूँगा हाईली कि आप रुपीस का साइन ही यूज़ करें अपने वेबसाइट पे। जैसे कई लोग यहाँ पे RS होता है डिफ़ॉल्ट, वो वैसे ही छोड़ देते हैं उसको। तो अगर आपकी वेबसाइट पे RS रुपीस लिखा हुआ है तो उसको आप चेंज कर दीजिए। और जैसे यहाँ डेसिमल्स लगे होते हैं 0.00 या 50 पैसा या समथिंग, तो वो चीज़ भी अब आउटडेटेड हो चुकी है मेरे हिसाब से। तो आपके फ्रेश लुक के लिए एक सिंपल सिटी है कि आपका जो ट्रैफिक आए वेबसाइट है वो पहली नज़र में उसको पता लग जाए कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं अब अपनी शॉपिफाई डैशबोर्ड के ऊपर। और तो आप सीधा यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और इस तरह का आपके पास व्यू ओपन हो जाएगा जो आपको पता ही होगा। उसमें आप यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जर्नल पे क्लिक करके आप लास्ट में आ जाएंगे, एकदम लास्ट में। लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टोर करेंसी, ठीक है। स्टोर करेंसी के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे और इसी से हमारे को काम है। यहाँ पे देखो इंडियन रुपीज़ आने रही है, आपने प्री सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे नज़र आ रही है। मैंने भी सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ ही मुझे नज़र आ रहा है INR, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है गाइस कि पहले इसमें सिर्फ ये था RS, जैसे यहाँ पे RS और ये अमाउंट इस तरह से था, ठीक है। बट मुझे क्या है, इस अमाउंट में इन्होंने डेसिमल्स भी थे, जैसे 100 रुपीज़ 0.50, 100 रुपये 50 पैसे। तो मुझे वो पैसे नहीं चाहिए लास्ट में, मुझे पूरा अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इन्होंने अमाउंट नो डेसिमल्स वाला, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ कोड है जो आपका जो प्राइजेस को फैच करता है विदाउट डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये यूज़ करा हुआ है, ये देखिए विदाउट डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपको ये रुपीज़ का सिंबल चाहिए होगा। ये रुपीस के सिंबल के लिए आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपली जाएंगे गूगल, आप जाएंगे गूगल सर्च पे और यहाँ सिंपली सर्च करेंगे रुपीस सिंबल, ठीक है। तो इस तरह का आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करिए माउस से और कंट्रोल सी करके कॉपी कर दीजिए और सीधा अपनी वेबसाइट पर आइए डैशबोर्ड पर। और जहाँ आपको जैसे ये दिख रहा है ना अमाउंट विद नो डेसिमल्स, उसके जस्ट आगे आपने इसको प्लेस कर देना है। यानी कि यहाँ से ऐसे जैसे पहले यहाँ लिखा रहा होगा RS डॉट इस तरह से, ठीक है। तो इसको हटा के आपने यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर देना और एक आपने स्पेस जरूर दे देना है। स्पेस देने से क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, मतलब कि आपका जो सिंबल है और जो अंक है उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अपनी वेबसाइट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि स्पेस दे के अच्छा लग रहा है कि विदाउट स्पेस दे के अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ वैसे स्पेस दे के ही ठीक लगता है तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है ये आपने यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है। जो आपका ये पैन आईडी वाला है इसको ज़रूरत नहीं है आपको अभी लगाने की, ये मैंने अपने हिसाब से लगाया है ताकि मैं इसमें कुछ और काम कर सकूं। तो आपको सिर्फ ज़रूरत है इस रुपीज़ के सिंबल की और इसकी, ये आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और रुपीज़ का सिंबल गूगल से कॉपी कर लीजिए और दोनों को इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए चारों में। यहाँ पे जैसे मैंने स्पैन आईडी लिखा है इसको आपने इग्नोर करना है, इसको आपने इग्नोर करना है। आपने सिर्फ रुपीस का सिंबल रखना है और आपने अमाउंट नो डेसिमल्स ये वाला आपने जो कोड है वो लिख देना है। सिर्फ इतना करने से आपका जो वेबसाइट है वो आपका अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो मैं आपको सेव का ऑप्शन ला के दिखा देता हूँ, जैसे ये आ गया आपका सेव, आपने यहाँ चेंजेस किए आपका सेव ऑप्शन आ जाएगा,
आपने सेव कर देना है सिंपली, और दैट्स इट, आपका काम अब हो चुका है। आपकी वेबसाइट पे अब रुपीस का सिंबल लग चुका है, ये देखिए इस तरह से। अब क्या होता है गाइस, जो हम छोटी छोटी चीज़ें अपने प्रोडक्ट पेज पे, लैंडिंग पेज पे करते हैं, उन्हीं से क्या होता है कि एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट को आप कितना प्रोफेशनल दिखाना चाहते हैं वो आपके हाथ में ही है। उसके लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि हम उसमें और अच्छा क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये आपका प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन है, उसमें आपका इमेजेस किस तरह से हो, आपका ये बैजेस किस तरह से हो, आपका ये टाइटल किस तरह से हो, ठीक है, बाय नाउ बटन के हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, बाय नाउ बटन, ऐड टू कार्ट बटन किस तरह से हो, आपका बैज किस तरह से हो, ठीक है जी, और आपका ये जो हम स्पेसिफिक लाइनें लिखी होती है ये किस तरह से हो, आपका प्रीपेड ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए बैज किस तरह से लगा सकते हो आप, कोड बेस है सर, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी एक सीरीज़ बना रहा हूँ, तो उसमें आप सब जो चीज़ें ये आसानी से सीख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा गाइस, जिससे मुझे पता लगे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आप आगे भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो। और जो ये मैंने आपको बताया रुपीस का जो साइन है, ये आपके जो प्रोडक्ट ग्रिड होता है ना, कलेक्शन जो आपकी बन जाती है, अब इसके नीचे जैसे कलेक्शन आ रही होगी, वो मैं आपको अभी शो नहीं कर सकता, तो उसमें आपको कलेक्शन, जो कलेक्शन है उसमें भी आपको रुपीस का साइन दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है कि वेबसाइट पे आपके जहाँ पे भी प्राइस होगा लिखा, प्राइस की जो जगह होगी, स्लॉट होगी, वहाँ पे आपको रुपीस का साइन दिखेगा ही दिखेगा। तो गाइज, आप अपनी वेबसाइट को और अच्छा बनाने के लिए मेरे इस चैनल को, आउटबॉक्स ऐड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी की तरह अपनी वेबसाइट को वन बाय वन, छोटे छोटे स्टेप्स में अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।